हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ट्रक्स पार्क में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक बस स्वागत करता हूं। आज अपन रिव्यू करने वाले हैं अशोक लेलैंड की ओएस्टर ZX बस का, अपना आज कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों इसके फ्रंट के साइड से। तो फ्रंट का साइड व्यू देखें तो यहाँ पर बड़ी लार्ज विंड स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली मिरर साइड में, यहाँ पर आप फ्रंट के अंदर दो बड़े वाइपर्स वगैरह मिल जाते हैं विंड स्क्रीन क्लीन करने के लिए। सामने आपका डेस्टिनेशन बोर्ड वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। दोनों साइड RPM, यहाँ पे अशोक लेलैंड की बेसिक जो 3D लोगों के साथ आपको देखने को मिल जाती है, और नीचे भी यहाँ पे अशोक लेलैंड काफ़ी शानदार यहाँ पे दिखता है, जो कि क्रोम कलर में फिनिशिंग में दिया हुआ है। साइड में देखिए तो यहाँ पे आपको हेलोजन, यहाँ पे हेडलैम्प्स कुछ इस तरह रहने वाले हैं। यहाँ पे LED हेडलैम्प्स दिए हुए, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर वगैरह, और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे का व्यू देखें तो कुछ इस तरह। तो फ्रंट में जो कलर का कॉम्बिनेशन देखे तो व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जो काफ़ी शानदार बनाता है, और गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं लग रही, लेकिन लग रही है। ड्राइवर साइड की बात करें तो ड्राइवर साइड का व्यू कुछ इस तरह रहने वाला है। यहाँ पे आपका ड्राइवर डोर के ऊपर आपको रियर व्यू मिरर देखने मिल जाता है। पीछे आपको ऊपर चढ़ने के लिए दो फुट स्टेप दिए, इजीली आप चढ़ सकते हैं। और साथ में आपका एयर फिल्टर असेंबली भी यहाँ पे आपको जस्ट ड्राइवर के जस्ट नीचे की साइड इसके माउंट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट व्यू देख सकते हैं। आप चलते हैं पीछे की साइड। पीछे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको AdBlue यहाँ से आप टॉपअप कर सकते हैं। AdBlue का टॉपअप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी आपको 24 लीटर की मिल जाती है। यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक दिया हुआ है, जिसकी कैपेसिटी आपको 185 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो एक बार पूरी देख सकते हैं, जो कि AC बस है कम्प्लीट। और यहाँ पे पीछे के टायर्स दिए हुए हैं। टायर में देखें तो यहाँ पे आपका टायर 235/75R 17.5 इंच के यहाँ पे आपको टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि ट्यूबलेस टायर हैं। और यहाँ पे सस्पेंशन है आपको पीछे की साइड, एयर सस्पेंशन यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपके साइड यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका इमरजेंसी डोर दिया हुआ है, जहाँ पे कुछ भी इमरजेंसी अगर होती है तो यहाँ से आप बाहर अपने पैसेंजर को एग्जिट कर सकते हैं ईजिली। पीछे का व्यू देखें तो कुछ इस तरह रहने वाला है, जहाँ पर आपका यहाँ पे LED ब्रेक लाइट्स वगैरह, पार्किंग लाइट्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और जो कि सेटअप है, यहाँ पे आपको एक पत्ती टाइप का देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे इन्होंने अशोक लेलैंड ने दिया है। यहाँ पे आप देखिए तो यानी पीछे की साइड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिया हुआ है, और यहाँ पे जस्ट नीचे की साइड आपका स्पेयर व्हील का ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आपको डूल लैंप्स दिए हुए लाइट्स के लिए, यहाँ पे जो आपकी लाइट्स लग, नंबर प्लेट लगती है उसके लिए यहाँ पे आपको 2 लैंप्स यहाँ पे दिए हुए, जो इजीली विजिबिलिटी के लिए काफ़ी हिसाब से काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे देखें तो आपका अशोक लेलैंड का लोगो, और पीछे की साइड में यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा भी दिया हुआ, हाई माउंटेड यहाँ पे रूफ मार्कर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो पीछे का ओवरऑल लुक काफ़ी शानदार रहता है। और अभी साइड में प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको पूरा कम्प्लीटली AC बस है। यहाँ पे आपको लगेज वगैरह रख सकते हैं, बैटरी ऑप्शन वगैरह इधर साइड में है, टूल बॉक्स बैटरी सब यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपकी ओएस्टर ZX बस है, और इसका अपन पहले भी चेसिस का अपन कंप्लीट व्यू कर सके। तो अभी बात कर लेते हैं इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन की। इंजन स्पेस में देखें तो यहाँ पे ओएस्टर ZX बस है, इसके अंदर आपका S सीरीज BS6 का 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि IZ6 टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको 110 किलोवाट यानी 147 हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 2400 RPM है। मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे 450 Nm, जो कि 1200 से लेकर 2000 RPM पे। क्लच की बात करें तो 330 mm डायमीटर की, जो कि डायफ्राम टाइप विद एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक एक्चुएशन के साथ आती है। गियर बॉक्स आपका 6 स्पीड AMT। फ्रंट सस्पेंशन आपको पैराबोलिक देखने मिल जाता है। रियर सस्पेंशन आपको एयर सस्पेंशन, AdBlue 185 लीटर फ्यूल टैंक एक आपको 185, AdBlue 124 लीटर स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग देखने मिल जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम आपको ABS मिल जाता है, जो कि SKM के साथ आया। फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक आपको इसके अंदर यूज़ किए हैं, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑक्सिलरी आपको एग्जॉस्ट ब्रेक्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं। टायर का आपने पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे AC का 24 वोल्टेज पे काम करती है, जो कि 150 आवर्स की बैटरी इसके अंदर यूज़ करती है। अल्टरनेट भी 150 एम्पीयर का यूज़ होता है। AC कंप्रेशर आपका इंजन माउंटेड रहता है, जो कि TM43 AC कंप्रेशर है। विंडो आपके साइड फिक्स ग्लास रहते हैं। डोर आपको न्यूमेटिक से ऑपरेट रहते हैं, और सीट्स आपको पुशबैक और सेमी रिक्लाइनिंग आपको इसके अंदर यूज़ की हुई है। इसी व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पे 5200 mm का व्हील बेस है। फ्रंट ओवर रंग आपको 2020 mm का, और ओवरऑल विड्थ आपको 2350 mm, ओवरऑल लेंथ आपको 10340, और मैक्सिमम आपका GVW इसके अंदर 11100 kg का इसके अंदर आपको GVW देखने को मिल जाते हैं। अब बात करेंगे इसके अंदर की साइड की। तो अंदर की साइड देखें तो डोर आपको न्यूमेटिक मिल जाता है, सिंगल डोर एंट्री आपको इसके अंदर दी हुई है, और यहाँ पे आप अंदर एंट्री के लिए यहाँ पे फुट स्टेप दिए हुए हैं, जो इजीली आप इसके अंदर चढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट्स वगैरह देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपकी चीज़ इसकी नंबर प्लेट वगैरह दिया, जिसमें आपको मॉडल वगैरह आप इसमें देख सकते हैं।
लेते हैं दोस्तों इसके इंजन की जो फ्रंट केबिन है उस किस तरह रहने वाला है। यहाँ पे आपका AMT गियरबॉक्स आपको देखने को मिल जाता है जो कि रिवर्स वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका गियर का लीवर, यहाँ पे आपके कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल वगैरह, फैन, लाइट वगैरह, जो भी स्टार्ट वगैरह, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे फीचर्स आपको इसके अंदर दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम, यहाँ पे आपका टच स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन दी LED स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर की साइड यहाँ पे हाइड्रोलिक, यहाँ पे ब्रेक दी गई, यहाँ पे आपका पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन दिया है, और यहाँ पे हेडलाइट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे वाइपर्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टेयरिंग व्हील रहने वाला है, इसमें आपको हॉर्न साइड में दिया हुआ, इधर इसमें स्टेयरिंग व्हील में नहीं है। और आपका क्लस्टरमीटर कुछ इस तरह रहने वाला है, स्पीडोमीटर, RPM मीटर और टेम्परेचर मीटर और फ्यूल मीटर आपको देखने मिलता है। छोटा इसके अंदर आपका MID दिया हुआ है, जिसके अंदर बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दूसरा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका ड्राइवर के इंजन के अंदर भी कुछ इस तरह, यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन बोर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट एड बॉक्स, फैन, और यहाँ पे आपका सन वाइजर, और यहाँ पे रियर व्यू मिरर, और यहाँ पे वॉच सिस्टम वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे आपका अंदर की साइड कैमरे वगैरह आपको इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। ऊपर की साइड से LED लैंप्स वगैरह दी हुई है। यहाँ पे स्पीकर वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सीटिंग कैपेसिटी की। तो यहाँ पे जो गाड़ी आपके दो व्हील बेस के अंदर आती है, 2200 व्हील बेस के अंदर आती है, जिसमें आपको 2x1 सीट की सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है, और 2x2 और जो कि 27 और 38 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है, जो कि 2x1 और 2x1 के अंदर आपको ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाती है। जो कि लेआउट की बात करें कुछ इस तरह इसका लेआउट आपको मिलने वाला है, आप एक बार इजीली देख सकते हैं। अब बात करें इसके सीट के बारे में, तो सीट का मटेरियल देखें तो काफ़ी अच्छा कुछ नहीं यहाँ पे इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, जो कि काफ़ी सारे कलर एक साथ अशोक लैंड ने यूज़ कर दिए हैं। यहाँ पे आपका हेडरेस्ट वगैरह है, यहाँ पे आपका हैंडरेस्ट, इसको इक्लाइन डिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका सीट बेल्ट, यहाँ पे 12 वोल्टेज का सॉकेट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स यहाँ पे अशोक लैंड ने इसके अंदर ऐड किए हैं। और इमरजेंसी के लिए यहाँ पे अगर हर विंडो पे आपका हैमर आपको देखने मिल जाता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन यूज़ इट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की साइड देखें तो यहाँ पे आपका हैंडल देखने मिल जाता है, बोतल होल्डर देखने मिल जाता है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे ये पहले से ही टूट चुका है, अब देखते हैं कितना आगे फील्ड में आने के बाद कितना ये कर पाती है। और यहाँ पे आपका एग्जिट विंडो देखने को मिल जाता है, तो कंप्लीट एक बार व्यू देख सकते हैं। यहाँ कुछ इनकेस ऑफ इमरजेंसी यहाँ से डोर खोल सकते हैं और अपने इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हैं। तो अंदर का ओवरऑल लुक देखें तो कुछ इस तरह रहने वाला है। ऊपर की साइड देखें लगेज बॉक्स कुछ इस तरह है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा सामान इसके अंदर आप रख सकते हैं। और यहाँ पे AC के वेंट्स ऊपर की साइड आपको दिए हैं, और नीचे की साइड भी दोनों साइड आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इसको नॉर्मली घुमा के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे सब जगह सभी ऊपर आपको AC के वेंट्स आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर की साइड इमरजेंसी एग्जिट के लिए यहाँ पे आपको रूफ कवर आपको देखने मिल जाता है, जहाँ से इजीली आप इसको प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप चलते बाहर के व्यू से, लगभग अपने इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स वगैरह कवर करने की कोशिश करी है। अगर कुछ पॉइंट्स वगैरह रह गए हों तो कुछ अगर वीडियो में ज़रूर लिखें। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं व्यू दिखा देता हूँ पीछे का कम्प्लीट गाड़ी का। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।